हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह सुबह का टाइम है। आज है स्पेशल डे हमारे लिए। आज है 1 दिसंबर। आज है हमारी एनिवर्सरी। हमारी शादी को 3 साल हो गए और मैं क्या कर रही हूँ, वही उनके लिए वही सुबह नाश्ता बना रही हूँ। नाइट शिफ्ट से आए हैं, यहाँ पर मैं चाय चढ़ाई हूँ, यहाँ पर तवा गरम पराठा बनाऊँगी अभी। सो आज का कुछ छोटा मोटा सा प्लान है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा। तो नाश्ता वगैरह हो गया और यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, ये मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया है, बाकी अभी स्लैब साफ़ कर रही हूँ। पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ पे तो मैं पूरा धो देती थी, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है पॉसिबल। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पर किचन साफ़ करने में लग गई, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और आज मुझे खाना बनाना भी नहीं था, तो इसलिए मैं सोची कि चलो आज साफ़ कर ही देते हैं। जहाँ पे मैं पहले रहती थी तो वहाँ पे मैं किचन धो दिया करती थी, क्योंकि वहाँ पर वो मतलब धोने का वैसा था कि पानी नीचे नहीं आ जाएगा, इसी वजह से मैं वहाँ पर धो दिया करती थी। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम पोंछते रहती हूँ। और किचन अगर साफ़ नहीं हो ना तो मन भी अच्छा नहीं लगता है, वैसा कि किचन गंदा है तो मन भी वैसा गंदा गंदा सा फील होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। इंडक्शन भी गंदा हो गया था बहुत ज़्यादा, ऐसे मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ लेकिन पता नहीं गंदा कहाँ से हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पर मैं जल्दी 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 करके सब साफ़ कर सारा अपना काम ख़त्म करने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे को जाना था। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि जल्दी कर लूँ। और फिर अद्दू को सुलाना भी था, वो सुबह से उठा हुआ था, पापा के साथ खाया तो नहीं, थोड़ा सा पापा उसके खिलाए, रोटी पराठा खिलाए थे, लेकिन वो खा नहीं रहा था। सुबह सुबह सो के उठा था ना, तो संग संग कुछ खाता नहीं है। अगर वो अगर मैं उसे नहीं सुलाती तो फिर वो पूरा मतलब पूरा वहाँ पे परेशान करता है, इसलिए मेरे को पता है ना कि मेरा बच्चा कितना मेरे को परेशान करेगा कितना नहीं करेगा, इसलिए मैं सोची कि पहले उसको सुला देती हूँ, तभी मेरे को काम भी करने में इजी होगा और वहाँ पे भी परेशान नहीं करेगा। हाँ, तो सारी क्लीनिंग हो गई है, बहुत गंदा हो गया था किचन। ये यहाँ पर मैं स्कॉच ब्राइट से साफ़ करूँगी, क्योंकि ये गंदा ज़्यादा दिख रहा है। अभी मैं बर्तन धो लेती हूँ। और ये देखो बुकू को नहीं, ठंड में नीचे बैठ के मैं बोल रही हूँ जाओ उधर, लेकिन ये जा नहीं रहा है। वही है, मैं जहाँ रहूँगी वही जाएगा। इसके लिए मैं अभी टीवी लगा देती हूँ और टीवी देखेगा, कम से कम ठंड में तो नहीं रहेगा, नीचे बैठ के भी ना रहेगा। तो एनिवर्सरी वाले दिन भी काम करना पड़ता है ये सब। ये तो जग गया, नहीं तो मैं सोच रही थी कि झाड़ू पोछा लगा दूँ कर दूँ, लेकिन अब जग गया है तो झाड़ू मुश्किल से मुश्किल लगेगा, पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पोछा लगाऊंगी तो मेरे आगे पीछे घूमेगा फिर स्लिप करेगा, इसलिए पोछा नहीं लगाऊंगी। और ये देखो हल्की हल्की सी धूप आने लगी है। बाय द वे, ये साबुन देख रहे हो ना, साबुन ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे बेटे का काम है, वो सारा कवर खा जाता है, दांत से काट काट के खा जाता है। सो चलो मैं जल्दी से बर्तन धो लूँ, फिर नहा धो के रेडी होना है, ठंडा में नहाना हो। तो मैं यहाँ पर अभी लगा रही हूँ बेड। पहले मैं सोची कि ये पता नहीं सोएगा नहीं सोएगा अद्दू, इसलिए मैं सोची कि बेड लगा देते हैं, ये अभी तो सोएगा नहीं तो पूरा बेड टिक कर देते हैं। और मैं ब्लैंकेट भी फ़ोल्ड कर दी थी, क्योंकि अभी तो यूज़ होना नहीं है, अब तो सीधे रात में यूज़ होना है, इसी वजह से मैंने ब्लैंकेट भी फ़ोल्ड कर दिया था। और ऐसे ही मैं इसका सॉफ्ट टॉय लेकर ऐसी बेड लगा रही हूँ जितना हो पाता है। ऐसे मैं यूजुअली बेड नहीं लगाती, मेरे हस्बैंड ही लगाते हैं। यहाँ पर मैंने बेड लगा दिया, वो जो दो तकिया देख रहे हो वहाँ पे, अद्दू को वो दीवार में जाके टकरा जाता है नींद में, तो इसीलिए उसके सेफ्टी के लिए हमने लगाया हुआ है। और ये मैंने कंबल फ़ोल्ड कर दिया, क्योंकि अभी तो यूज़ होना नहीं है, इसलिए मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और ये उसका दोनों सॉफ्ट है। ये वाला कुत्तू हम लोग रामू जी फिल्म सिटी से लेके आए थे, और ये वाला भालू कहाँ से लाए थे, डी मार्ट से शायद लाए थे, पता नहीं, बहुत दोनों ही अच्छा है। ये तो नियर बाय 1000 पड़ गया था ये कुत्तू का, और वो तो 200 में, 2 या 250 का था भालू, भालू मतलब टेडी।
तो ये है रूम, चारों का चारों बॉटल यहाँ है। मैं देखती हूँ अभी झाड़ू लगाऊँ या पहले नाश्ता करूँ। मैं सोच रही हूँ पहले नाश्ता कर लेती हूँ। नींद आ रही है इसको भी। मैं सोच रही हूँ इसको सुला दूँ, सुला कर फिर मैं नहा लेती ना, क्योंकि ये जगह रहेगा तो फिर मेरे को नहाने देगा नहीं। चलो चलो मैं फटाफट सैंडविच बना लेती हूँ। पहले मैं फटाफट सैंडविच बना लेती हूँ, फिर उसके बाद उसको भी खिला दूंगी, कम से कम वो भी खा लेगा ना। दूध कितना दे रही है अभी पेट में, पापा में खाया नहीं था। इसका सारा फूल कबूतर खा जाता है, देख रहे हो? ये सब कबूतर खा गया, ये भी निकला है, ये भी खा जाएगा कबूतर। एक भी फूल फूल में नहीं देता है कबूतर। और ये मैंने मनी प्लांट का लगाया, पता नहीं ये लगेगा नहीं लगेगा, देखते हैं। ये एक छोटा सा तिनका निकला तो है, ये वाला, अब देखते हैं। ये मेरी तुलसी जी। और ये देखो रोड, गाय चल रही है। देख लो सीएसएफ बिल्डिंग, दरारें पड़ी हुई हैं। लेकिन जो भी कहो यहाँ का जो एम्बियंस है वो अच्छा है, बस बिल्डिंग अच्छा नहीं है। बिल्डिंग भी, रूम वगैरह सब अच्छा है, बड़े बड़े रूम है, लेकिन वही है कि रेनोवेशन नहीं करते हैं इसमें। वही है ना कि रेनोवेशन नहीं करते। रेनोवेशन नहीं करने से ना फिर और गंदा लगता है। अगर रेनोवेशन कर देंगे ना तो A1 लगेगा पूरा ये एरिया। चलो चलते हैं, बनाते हैं सैंडविच। फ्रिज खुलते ही आ जाता है, देखो कहाँ गया। क्या चाहिए क्या चाहिए? अच्छा लो लो, क्या चाहिए लो। इसको लग रहा है कि मैं चॉकलेट लेके आ रही हूँ। अरे बाबा, अब मम्मा को किच्छा कौन दे भाई? मम्मा को किच्छा कौन दे भाई? किच्छा दो। अच्छा अच्छा, को छपको हेलो करो तो। हेलो हेलो करो। हेलो कैसे होता है? हेलो करो, हेलो करो। अच्छा हेलो, बुला सबको, बुला, ऐसे बुला बुलाओ। कैसे बुलाते हैं? आजा आजा बाबा। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। जा टीवी देखो, जा जा, मम्मा बना के लाती है खाना, है ना? फोन स्टैंड है, लेकिन मैं फोन स्टैंड में नहीं बनाती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ये 2 सेकंड नहीं टिकने देगा स्टैंड को। डांस डांस हो रहा है। 2 सेकंड जो ये टिकने दे फोन स्टैंड ना, स्टैंड तो गिराएगा ही गिराएगा, मेरा फोन भी गिरा देगा। अब देखो क्या कर रहा है। बस ये इसका डेली का काम है, आलू प्याज के साथ खेलना। ठंडा है बेटा, चलो उठो तो, उठो उधर जाके टीवी देखो। चलो आओ फेवरेट गाना लगा दे, आओ बंद करो उसको, ठंडा है, सुनाई नहीं दे रहा है। इधर बैठो अद्दू, यहां बैठो। तो यहाँ पर मैं अपने सैंडविच बनाने के प्रोसेस में लग गई हूँ। मैंने गाजर, बस यही था, गाजर टमाटर और प्याज, तो प्याज भी एक ही दो मुश्किल से होगा। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। चॉपर है, लेकिन चॉपर उसको फिर धो, फिर वापस उसमें कट करो, फिर वापस उसको धो, तो मैं इसलिए चॉपर बेसिकली जल्दी यूज़ करती नहीं हूँ, मेरा हाथ ही काफ़ी है, मैं हाथ से ही काट लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर गाजर टमाटर प्याज मिर्ची
ये सब काट लिया, मिर्ची नहीं डाला था सॉरी, मेरे को याद है कि मैंने मिर्ची भी डाला था, तो ये मैं प्याज छिल रही हूँ, यही सब काट के मैंने डाल दिया। देखो मैं मतलब मेरे को आदत है हाथ से ही, मैं चॉपिंग बोर्ड पे भी नहीं कट करती हूँ, जब जैसा ज़रूरत होता है तब मैं कर लेती हूँ वैसे। तो यहाँ पर मैं अभी प्याज कट कर रही हूँ, टमाटर मैंने काट लिया और गाजर भी मैंने काट लिया। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मतलब काली मिर्च और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और बस उसमें मेयोनीज़ मैं डाल रही हूँ अभी, थोड़ा सा टमाटो सॉस और थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, क्योंकि अद्दू भी खाने वाला है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाली, और ब्लैक पेपर पाउडर भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, वो बस हल्की से टेस्ट के लिए डाला था मैंने, तो बस ऐसी। और पनीर अगर रहता तो पनीर को ग्रेट करके या ऐसे हाथ से ही तोड़ तोड़ के डालकर उसमें खा लेने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं था घर में, मैं तो बता रही कैंटीन भी नहीं जा पाई और घर में कुछ था भी नहीं, तो मैं यही से काम चला लेती हूँ। अब कौन रोटी सब्जी बनाने जाए, तो यहाँ पर मैं उसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि सारा मिक्स हो जाए, और मैं यहीं से उसका कार्टून चल रहा था तो उसका एड स्किप कर रही थी। अभी मैं यहाँ पर सैंडविच ग्रिल जो होता है ना उसको गरम कर रही थी, वो पहले से प्री हीट करना पड़ता है तो मैं वही गरम कर रही थी, और तब तक मैं स्टफिंग कर लेती हूँ मतलब ब्रेड पर अच्छे से उसको स्प्रेड कर लेती हूँ जो मिक्सचर हमने बनाया है। यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड लिया है, दो दो ब्रेड मतलब एक के ऊपर एक ब्रेड डाल के इसी वजह से, तो यहाँ पर मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि सब जगह पूरा कोटिंग हो जाए, और तब तक वहाँ पे वो गर्म भी हो रहा है, वहाँ पे मैं हल्का सा घी डाल के उसको जैसे मैं बटर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घी यूज़ करती हूँ, तो मैं वही घी डालकर उसको कर दूँगी ग्रीस, और फिर ब्रेड के ऊपर भी मैं हल्का सा बटर लगा के घी लगा के ग्रीस कर दूंगी। तो यहाँ पर भी मैं ब्रेड पर अच्छे से घी लगा दी और उसको मैं छोड़ दी, वो ऑटोमेटिक वो सिग्नल देता है कि हाँ अब भी खोल लो, हो गया सैंडविच ग्रिल हो गया। तो तब तक मैं ये सब रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि सारा क्लीन करके फिर वापस रेडी होना है, मेरे को रेडी होना है जल्दी जल्दी मतलब एक्साइटमेंट होता है ना कि एनिवर्सरी कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ऐसे हमारे में अभी एनिवर्सरी मनाना मतलब वैसा था नहीं कि मनाना है, क्योंकि अभी मतलब हमारे घर में वैसा दुख भरा कुछ इंसिडेंट्स हुआ था, तो इसी वजह से साल भर मतलब दुख भरा क्या मतलब हमारी जो मेरी सास है मदर इन लॉ है तो उनका डेथ हो गया था, तो इसी वजह से अभी साल भर हमारे में कुछ भी त्यौहार नहीं मनेगा, तो इसीलिए हम ये भी नहीं मनाने वाले थे। आई कौन खाए ई कौन खाए ई खो लो पकड़ो ना चलो। यहाँ पर मैं बुग्गू से ही पहले स्टार्ट कर रही हूँ, टीवी देखते देखते खा लिया था थोड़ा सा और फिर ये सो गया था, लेकिन इसके सोने के बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना था, इसके नाखून कट करने थे, क्योंकि ये जगह में तो बिल्कुल भी छूने देगा नहीं, तो जैसे इसकी आधी नींद भी पूरी हो जाएगी ना तो तभी भी ये फिर वो टक टक का आवाज़ आता है तो ये इसकी नींद खुल जाएगी। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ नहा के, और आज मैंने वो लगाया अपना शादी वाला सिंदूर लगाया, भगवा सिंदूर और सिंदूरा का, और ये मेरा ड्रेस कुछ ऐसा है, ये मैंने जूडियो से लिया हुआ था, और ये अद्दू महाशय इसको मैंने अभी उठाया है नींद से, अभी मैं कंघी करूँगी, शैम्पू किया है मैंने, तेल लगाया हुआ था पूरा भरपूर, आप लोग बताना कैसा लग रहा है ये ड्रेस, मैं सोच रही हूँ कि ये पहन लो या कुछ दूसरा पहनो, फिर सोची कि चल यही पहन लेते हैं। यहाँ पर हम लोग रेडी होकर सब निकल चुके हैं और रास्ते से भाई को हम पिक कर लिए थे, यहाँ पर हम बारबेक्यू एब्सोल्यूट बारबेक्यू में आए थे जो जुबली हिल्स में है हैदराबाद का, और यहाँ पर हम बैठ के अपना वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर पहले वो तंदूर सेट किया, फिर उसके बाद बारबेक्यू वगैरह सारा स्टार्टिंग में, तो पहले हमें पानी पूरी से सर्व किया, पानी पूरी तो मेरा फेवरेट है, उसके बाद ये कुछ स्टार्टर्स,
और यहाँ पर बुग्गू भी मज़े कर रहा था, और इसके लिए हमने फिर पेस्ट्री ऑर्डर करवा दिया क्योंकि पेस्ट्री ये खा लेगा आराम से बिना कोई परेशानी के। यहाँ का एम्बियंस तो अच्छा था ही, लेकिन मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, इनके स्टाफ, यहाँ के स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और स्टार्टर्स हमने खाने के बाद फिर मेन कोर्स में आया था, मेन कोर्स में हमने चाइनीज़ भी ट्राई किया, फिर बिरयानी भी, और फिर डेज़र्ट लास्ट में, और सबसे एंड में आता है आइसक्रीम। लेकिन 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 पार्टी अभी बाकी थी। मैंने भाई को बोलकर केक का भी अरेंजमेंट करवा दिया था, और यहाँ पर बुगू आइसक्रीम खाते हुए उसको मामा खिला रहा है। सो यहाँ पर मैंने केक का अरेंजमेंट करवा दिया था भाई को बोलकर, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये सारा, मतलब केक वगैरह का, और ये ब्लश कर रहे थे और ये बोल रहे थे चलो अच्छा हुआ खर्चा बच गया केक का। और यहाँ पर मेरा भाई, थैंक यू मेरा भाई इतना सारा अरेंजमेंट करवाने के लिए, और यहाँ पर मेरा पागलपंती एज़ यूजुअल हमेशा। और बुग्गू, मतलब बुग्गू वो देख के सोच रहा है कि पता नहीं ये क्या है, और वो देख के बड़ा खुश हो रहा है, उसको बड़ा गौर से देख रहा है, देखो अभी भी देख रहा है कंटिन्यू, और देखो उसकी खुशी देखो, मतलब हम तो खुश हुए ही, साथ में मेरा भाई भी खुश हुआ और साथ में अद्दू भी खुश हो गया, देखो कितने प्यार से देख रहा है। थैंक यू भाई हमारा डे इतना स्पेशल बनाने के लिए, ये वीडियो वॉच करना चाहिए तुमको। और फिर यहाँ पर हमारा केक कटिंग हो रहा है, और यहाँ पर वो स्टाफ जो हैं वो भी हमें चेयर अप कर रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन का पूरा माहौल था। और मैं बता रही हूँ ना, वो वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे थे। इफ़ यू आर विलिंग टू गो देयर, यू कैन डेफिनेटली गो देयर। और यहाँ पर गाना भी चल रहा था, तो आप लोग बताना कि कौन सा गाना चल रहा है, मैंने गाने को म्यूट कर दिया है वरना कॉपीराइट आ जाता। तो आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा गाना चल रहा था, मैं भी बता देती हूँ। यहाँ पर चल रहा था वो जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही। और यहाँ पर हमारे आगे, मतलब हमारे टेबल के आगे वाले टेबल में भी बर्थडे था, हमारे टेबल के पीछे वाले टेबल में भी बर्थडे था, तो वो लोग वहाँ पे भी वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे, और मतलब पूरा माहौल सेट हो गया था रेस्टोरेंट में, बड़ा मज़ा आया। सो अब हम आ गए हैं घर, और अच्छा खासा पार्टी हुआ, मतलब छोटा मोटा ऐसी छोटा मोटा, बस हम तीन चार ही आदमी थे, चार क्या तीन थे और एक ये साढ़े तीन था। हम साढ़े तीन आदमी थे, पार्टी हो गया, और अभी पौने चार होने वाले हैं, तो ये अभी सोएंगे और हम दोनों माँ बेटे भी सोएंगे। अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने, इसको भी मैं चेंज कर, ये जब इस रूम में आता है तब ये दरवाज़ा बंद करते था, पता नहीं इसको क्या मिलता, अब सोएगा ये। निनिया आओ बेटा, निनिया आओ, चलो खोल देते चेंज कर देते तब सोना, आओ इधर पापा सोएंगे, चलो 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 हम लोग सोते आओ। तो चलो अब हम शाम को मिलते हैं, बाय बाय। बस यही तो छोटा सा पार्टी था, और हो गया एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 6 बज रहे हैं, और दोनों माँ बेटे सोए, मैं नहीं सो पाई, मेरी आँख लगी थी तब तक घर से फ़ोन आ गया था, सर टन 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 कर रहा है। और अभी ड्यूटी भी जाना है इनको, पता नहीं मैं क्या बनाऊंगी, कुछ हल्का सा ही बनाऊंगी, इतना कुछ खाने के बाद तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन इनको तो, इनके लिए तो बनाना पड़ेगा ना, रात भर ड्यूटी करना है, नहीं खाएंगे तो कैसे होगा। सर दर्द कर, नींद आ रहा बहुत तेज़, अब ये जाएंगे तो ये लड़का फिर सोएगा नहीं, क्योंकि ये तो अपना नींद पूरा कर लेगा। अभी मन कर रहा मैं भी सो जाऊँ, चलो देखती हूँ, हल्का फुल्का दाल रोटी बना देती हूँ और आलू गोभी का भुजिया बना दूँगी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा है, और काम तो रहने दो, काम तो करने का मन ही नहीं कर रहा है, सर दर्द कर रहा बहुत ज़्यादा। तो अभी तो ये उठेंगे नहीं, ये पहले बोल देंगे 7 बजे के पहले उठाना मत, लेकिन 6 बज गया है, 6:30 बजे उठा दूँगी, नहीं 7 बजे भी उठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे ही उठ जाएंगे। तो चलो, चाय पीने का मन नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हैं अकेली हूँ,
बोर हो रही थी, अभी कहीं जाना भी नहीं है, इसको छोड़ के कहाँ जाऊँ। आलू प्याज भी नहीं है, लाना था, अब कल मेरे को ही जाना पड़ेगा अकेले ही इसको लेके। ऐसे ये रहते हैं तो मैं इसको छोड़ देती हूँ घर में और मैं जाके ले आती हूँ। अगर ये जाता तो फिर परेशान करता है। तो चलो मैं अभी तो कुछ नहीं करूँगी, मैं बोर हो रही थी, सोची कि चलो आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर दाल बनके रेडी है। यहाँ पर मैं आलू ब्रोकली का भुजिया बना रही हूँ और अभी मैं चाय बनाऊँगी। चाय चाहिए, आटा पता नहीं आटा सना हुआ है या सानना पड़ेगा, पता नहीं, देखती। और ये अद्दू महाच है, ये अद्दू महाच है। पापा कहाँ हैं? पापा तो अब हमारा स्पेशल डे का एंड आ चुका था और मैं यहाँ पर बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए चाय। उनकी फरमाइश तो कभी चाय वाली जाती ही नहीं है। और साथ में मैं यहाँ पे आलू और ब्रोकली का भुजिया बना रही थी, तो साथ में मैं चाय भी बना रही थी, बुगू के लिए दूध भी गर्म कर रही थी। कितना सारा काम करना पड़ता है एक ही साथ, उफ। मतलब एनिवर्सरी स्पेशल डे वाले दिन भी आराम नहीं मेरे को थोड़ा सा भी। तो यहाँ पर मैं उसको दूध दे रही हूँ क्योंकि वो सो के उठा है ना, तो उसको कुछ तो चाहिए खाने पीने को, तो मैं सोची उसको दूध दे देती हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ। साथ में आटा भी लगाना था तो इतना सारा काम, साथ में चाय। मैं देख रही हूँ कि कहीं दूध फट तो नहीं गया है, लेकिन वो पूरा जो क्रीम होता है ना, वो क्रीम छाली बन गया था तो वो दूध फटा नहीं था। मेरे को लगा दूध फट गया, इसीलिए मैं उसको अच्छे से गौर से देख रही थी। और अब मैं यहाँ पर अपने पूरे फुल स्पीड में रोटी बना रही हूँ। मेरी स्पीड देख रहे हो कितनी फास्ट फास्ट है। मैं मजाक कर रही थी, ये मैंने स्पीड बढ़ा दिया है और देखो मेरी रोटी फूली फूली सी। कितना अच्छा लगता है ना जब रोटी फूली फूली आती है। बाय द वे मेरे हस्बैंड अभी तक मुझे मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं दिया। कितने गंदे होते हैं हस्बैंड्स, बोलते हैं कि मेरे को क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा था, ड्यूटी जाना था उनको। और देखो साथ में मैं रोटी भी बना रही हूँ, उनके लिए खाना भी निकाल रही हूँ। हम नारी हैं, हम सब कर सकती हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस दाल रोटी और आलू ब्रोकली का भुजिया बनाई थी। बहुत ही बेसिक सा खाना, मेरा तो खाने का मन भी नहीं था, तो मैं एक रोटी ली थी उसमें से थोड़ा सा बुगू को खिलाई, लेकिन वो खाया नहीं। सो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।